हेलो हाय आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो आपको बता रहा था कि गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पैरों में स्लीपर नहीं होती, जिनके पैरों में शूज़ नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनके पैरों में शूज़ और स्लीपर नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बदन पर प्रॉपर लिबास नहीं होते हैं। आज मैंने सुबह सुबह अपने गाँव के ही प्राइमरी स्कूल में गया और वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो प्रेयर में थे, जो स्कूल अभी आ रहे थे। मैंने उनको छोटा छोटा वीडियो बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में स्लीपर नहीं है। मिश्रा, अब ये प्रेयर के लिए तैयार हो जाए। तैयार है? यस। आंखें बंद। तो अगर आपके घर में भी ऐसे जूते, चप्पल, कपड़े, गर्म कपड़े, बड़ों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जिसके भी कपड़े हों, जिसके भी चप्पल हों, जिसके भी जूते हों, आपके किसी काम के नहीं हैं, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर के किसी कोने में पड़े हुए हैं, आप फेंकते भी नहीं हैं, तो आप जो है हमें बताइए, हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें, या अगर आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो इस एड्रेस पे मुझे आप पहुंचा भी दीजिए, या मुझे कॉल करिए, मैं आपके यहाँ से पिक कर लूँगा। अगर आप इलाहाबाद और कौशाम्बी में हैं, तो अगर आप कहीं दूर हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पे कुरियर करवाइएगा। थोड़ा सा पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन इस थोड़े से जो पैसे खर्च होंगे उसके बदले में आपको जो पुण्य मिलेगा, जो आपको सवाब मिलेगा, जो आपको नेकी मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।